चलिए देख लेते हैं मैंने आज सुबह से क्या किया है। और बड़ा बड़ा छल, लेकिन पहले ये दिखा देती हूँ। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे चैनल का एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज सुबह से मैंने क्या क्या किया है उसका मैंने वीडियो बना कर रखा है, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और उसी बीच मेरे लिए आया था बहुत सारा पार्सल मीशो से, जो मैंने ऑर्डर किया था। सामने दीपावली है, उसके लिए धीरे धीरे मैं शॉपिंग कर रही हूँ। ये आप लोगों को पता है दीपावली का प्रिपरेशन चल रहा है। सो गाइस, चलिए देख लेते हैं मैंने आज सुबह से क्या किया है और क्या क्या पार्सल आज डिलीवरी हुआ। अभी बज रहे हैं दोपहर का 12 और मैं अभी तो हूँ किचन में। नहीं नहीं, आप लोग अभी समझ रहे हो कि मैं क्या 12 बजे नींद से उठती हूँ। नहीं, इतना लेट तो नहीं उठती हूँ, लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि हम लोग बहुत ही लेट नाइट सोते हैं। दोपहर का खाना बहुत ही पहले ही बन गया था और मेनू में था दाल और मछली का कारी, लेकिन अचानक से पतिदेव को मन किया कि उनको चिकन खाना है, तो उनका ख्वाहिश पूरा करना तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो इसीलिए आज पतिदेव का मन रखने के लिए मैं अभी बना रही हूँ चिकन का कारी। रेगुलरली जिस प्रोसेस में मैं चिकन करी बनाती हूँ, आज थोड़ा अलग प्रोसेस मैं ट्राई करने वाली हूँ और वो आप लोगों के साथ शेयर भी करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज को हाफ हाफ कर लिया, कुछ कट कर लिया एंड कुछ मैं पेस्ट बना रही हूँ। और ऑलरेडी आलू फ्राई हो रहे हैं कढ़ाई पर। मुझे छोड़ के इस घर में चिकन सब लोग इतना पसंद करता है कि कोई भी प्रोसेस से चिकन को अच्छे से पका कर अगर कढ़ाई से निकाल दिया जाए तो वो लोग खा लेंगे और बावा करने लगेंगे। लेकिन फिर भी मैं हमेशा कोशिश करती हूँ थोड़ा नया नया प्रोसेस ट्राई करना, जिससे मेरा कुकिंग का हैंड भी अच्छा हो जाता है। तो कटा हुआ प्याज को मैंने डाल दिया ऑयल पर। उससे पहले ऑयल में डाला था मैंने खड़ा मसाला। और बाहर का वेदर आज देखिए, देखने लायक है, एकदम कितना खूबसूरत है। अच्छा सा सुनहरा सा धूप है और एकदम मतलब वो साइलेंट वेदर है आज बाहर। और आज था थर्सडे, तो लक्ष्मी देवी और नारायण जी का पूजा भी ऑलरेडी हो गया है, जिसका धूप अभी तक जल रहा है। मेरी पूरा दिन का शेड्यूल बहुत ही टाइट होता है, इसीलिए सिर्फ कुकिंग करने से मेरा काम नहीं चलता है। तो कुकिंग करते करते अचानक से मुझे याद आया कि मुझे थोड़ा कपड़ा भी वॉश करना है, इसीलिए मैं आ गई थी वॉशिंग मशीन के पास में। और ये मेरा सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जिसमें कपड़े वॉश करने के लिए बहुत ही टाइम लगते हैं और बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं अगर कभी भी हो पाए इस बीच तो हम लोग वॉशिंग मशीन को चेंज करने वाले हैं। और चेंज करके क्या लेने वाले हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल मसाला पक गया है और उसके अंदर मैंने डाल दिया है मैरिनेट किया हुआ चिकन, जो मैंने मैरिनेट किया था खट्टा दही, कुछ जितना भी वो डस्ट मसाला देना था वो भी डाल दिया था, हल्दी भी डाल दिया था, बस छोड़ दिया था वो गरम मसाला को देने के लिए, वो डाल देंगे एकदम अंत में। और अभी देखिए मेरा बेडरूम का हालत बहुत ही खूबसूरत सा लाइट आया है मेरे बेड के ऊपर, जो एकदम विंटर सीजन का फीलिंग्स देता है। लेकिन बेड में पड़ा हुआ है बहुत सारा कुछ और मीशो से भी आया है कुछ पार्सल जो मैंने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है। लेकिन सब कुछ ठीक करने से पहले मुझे लगा कि आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर लेती हूँ कि त्यौहार जो होते हैं वो तो बहुत ही खुशी का होता है, लेकिन त्यौहार के बाद का जो काम होता है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है। खाना भी बहुत मेहनत के बाद लंच रेडी हो गया है, बहुत भूख लगा है इसीलिए मैं खा रही हूँ सलाद। और खाने से पहले सलाद खाना बहुत ही अच्छा होता है,
वो भी वेट लूज के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए। तो आज का हमारा लंच मेनू आप लोगों ने देख लिया है, चिकन का कारी, दाल और राइस। बट जब तक मैं लंच खत्म कर रही हूँ उससे पहले आप लोग जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी ये काम कर दिया है तो आपको थैंक यू। लंच मेनू खत्म करने के बाद मैंने खाया थोड़ा सा मीठा दही। आज बहुत दिनों के बाद मैंने मीठा दही खाया है। वैसे तो मैं खट्टा दही ज़्यादा पसंद करती हूँ लेना, लेकिन आज घर में नहीं था तो इसीलिए ऑप्शन के तौर पे मैंने आज मीठा दही खाया और सच में बहुत ही टेस्टी था वो दही। अभी मैं बेड को थोड़ा सा ठीक करूंगी और उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो एडिटिंग करूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मीशो से मेरे लिए क्या क्या आया है। चिकन बन रहा है और इधर मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि क्या क्या पार्सल आज आया है। ये फर्स्ट चीज आया है जो किचन रिलेटेड एक चीज ही है, ये एक छलनी है जिससे कुछ भी तलने के लिए बहुत इजी होते हैं। ऐसे इसको कुछ भी अगर हम लोग तले तो उसको ऐसे प्रेशर देके उठा सकते हैं और यहाँ पर से सारा ऑयल बाहर आ जाएंगे। इसके वजह से वो एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होने वाले हैं हमारे लिए। एक्सेस ऑयल जो है वो यहां से गिर जाएगा। उसके बाद मैंने लिया है एक छलनी, लेकिन ये छलनी को मैं शायद एक्सचेंज करने वाली हूं। ये छलनी बहुत ही बड़ा बड़ा है जो मुझे लग रहा है करवा चौथ में यूज करने के लिए ही सही रहेगा, लेकिन किचन में यूज करने के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। आई थिंक मुझे इससे भी थोड़ा वो फाइन वाला छलनी चाहिए, तो इसके लिए ये मैं रिटर्न करने वाली हूँ। फिर भी मैंने दिखा दिया है कि ये आया है, और सच बताऊं तो ये दिवाली के लिए ही मैंने स्पेशली खरीदा है। पहले भी मैंने एक खरीदा है जो मैं आप लोगों के साथ अभी तक शेयर नहीं करी हूँ करूंगी, लेकिन पहले ये दिखा देती हूँ। ये है एक उर्ली। इस उर्ली का ये पॉट है, इसमें फ्लावर वगैरह कुछ भी रख के इधर दिया और इधर दिया लगा हुआ है। ये एक मेटल चीज है जो बहुत ही हेवी है, उतना लाइट वेट नहीं है और क्वालिटी भी इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो इसमें जब फ्लावर रख के यहाँ पर सारा दिया जलने लगेंगे ना तो ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। दिखने में कैसे लगेगा वो तो मैं जरूर शेयर करूंगी दीपावली के टाइम पे। पहले चिकन को देख के आते हैं, उसके बाद फिर शेयर करेंगे और क्या क्या मैंने लिया है। चिकन बनने में और थोड़ा लेट है तो चलिए उस बीच मैं शेयर कर लेती हूँ थर्ड, एंड वो है पिलो कवर्स। बहुत ही सुंदर सुंदर पिलो कवर्स है जो मुझे एक बार देखने से ही पसंद हो गया था। एक्चुअल में कलरफुल चीजें मुझे बहुत पसंद है और उसका कलर कॉम्बिनेशन अगर थोड़ा अच्छा हो तो क्या बात क्या बात। इसीलिए मैंने ये पिलो कवर ऑर्डर किए थे। ये पांच का सेट है, 216 रुपीज में मुझे मिला है पांच का सेट। समझ ही सकते हो कितना रिजनेबल है, लेकिन इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। ये है एक येलो कलर का, ये है सी ग्रीन नेक्स्ट कलर, ये है व्हाइट जिसमें लिखा हुआ है लाइफ सिंपली, ये है चौथा जो भी एक व्हाइट एंड ग्रीन एंड येलो कॉम्बिनेशन में है, और ये है एक ऑरेंज कलर का। तो ये भी जब मैं अपने सोफे के ऊपर कुशन को रखूंगी तो दिखने में बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अच्छा लगने वाला है वो देखने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन करके रखना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत कुछ छोटा बड़ा मैंने परचेस किया है, ये भी करूंगी और उसका रिव्यू भी देते रहूंगी। सो इस तरीके का वीडियो अगर आप लोग फिर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। अभी मुझे चाय पीना है लेकिन वो मैं फिलहाल आज के लिए और शेयर नहीं करने वाली हूँ। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा गाइस।